इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर हम गेम को स्टार्ट करते हैं, बट हमें चूज फोल्डर का ऑप्शन आता है। जैसे हम इस पर टिक करते हैं, इससे ऐड पर मतलब कि कहीं पर भी सेट करते हैं हम, ठीक है। और जैसे कि हम ओबीबी में तो ये सिलेक्ट करेगा नहीं, इसको अलाउ करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें एरर दिखाई दे जाता है, प्लीज़ चूज़ द डॉक्यूमेंट फोल्डर, ठीक है। एरर यहाँ पर आपको दिखाता है क्योंकि हमने गलत फोल्डर सिलेक्ट कर रखा होता है, तो हमें सही फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ता है जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सटर्नल डेटा रहता है, कोई ऐसा डेटा नहीं रहता जो गेम का डेटा रहता है। गेम का डेटा हमेशा ओबीबी फोल्डर में जाएगा, ठीक है, एंड्रॉइड के ओबीबी फोल्डर में। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, तो डॉक्यूमेंट के फोल्डर को सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर। ऐसे नहीं कि आप किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे और ये रन कर जाएगा, बल्कि ये खुद ही आपके खुद ब खुद ही एक जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेगा। बाकी वरना मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फोल्डर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ऐसी ही जो है मतलब कि क्रिटिकल और इशू जो भरे रहते हैं उनको सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑथेंटिक जानकारी मिलती है यहाँ पर, कोई ऐसी फर्जी जानकारी नहीं मिलती, तो और ऐसी हवा में बातें नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर चूज़ फोल्डर पर टिक करना पड़ेगा। और चूज़ फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का फोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, बट मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो इसी फोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट का फोल्डर आपको दिखाई देगा, जो कि अभी यहाँ पर हमें दिखा रहा था। शायद ये इसको ना सिलेक्ट कर सके, बट वाला फोल्डर इसको ज़रूर सिलेक्ट कर लेता, ठीक है। अभी यहाँ पर इसने इसे सिलेक्ट नहीं किया है, हम इसे प्रॉपर आप जो है जगह को देख लीजिएगा कि कौन सी जगह है, और डॉक्यूमेंट पर टिक करके आप यूज़ दिस फोल्डर पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपको बस जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में अलग अलग जगह हो सकती हैं, और आपको इस तरीके से यहाँ पर ये रन कर जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर इसका सोल्यूशन रहता है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। बाकी अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी ऑथेंटिक जानकारी आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।